बजे से पेपर था, 9 बजे सभी के मोबाइल पे पेपर आ गया, सब पढ़ रहे थे अपना अपना पेपर। सर बताओ, सर इसमें कुछ छुपाने को है ही नहीं है कि अगर पेपर आउट नहीं हुआ है, पहले बस कन्फर्म पान की दुकानों में पेपर मिला है, पान की दुकानों में पेपर मिला है, दुकानों 100 रुपया 500 में पेपर बिका है। पान वालों भी कमा लिया क्या? सब कमा रहे हैं, सब कमाए हैं पैसा। रिपोर्ट कह रहा कि हमारे पास कोई सबूत अभी तक नहीं है। आप देखिए कितने साक्ष्य दिए जाए, कल मांगे हैं रिपोर्ट, मतलब कि आप प्रमाण दीजिए, सब जिसके जिसके पास प्रमाण थे सब लोगों ने दिए हैं पेपर, 18 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर को प्रमाण दे दिया आप लोगों ने यहाँ से सब, भाई मैक्सिमम लोगों, हमने नहीं दिया है, मैक्सिमम लोगों ने दे दिया है, मांगा था मेल पैक दे दिया है, भर्ती बोर्ड को सारे प्रूफ दिए हैं। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो जो लड़का लखनऊ में पकड़ा गया है फिर उसे क्यों अरेस्ट किया है? उसके फोन में 147 क्वेश्चन पकड़े गए, जब FIR हुई है उसमें धर्मेंद्र यादव नाम से कोई वो है इंस्पेक्टर है, उन्होंने जो FIR की है। क्लियर हो गया था भाई साहब, पेपर लीक हुआ? बिल्कुल लीक हुआ है सर, सबूत है, एकदम सबूत है, बिल्कुल लीक हुआ है। अरुण सर अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं, अगर उनके भी चैनल से अगर शेयर हुआ है तो अभी कुछ नहीं पढ़े होंगे लड़के, तो 20-30 हज़ार लड़के पढ़ लिए होंगे, 20-30 हज़ार के पास जाएगा 147 क्वेश्चन, वो क्या करेगा? अभी मिनिमम बता रहे हैं भैया, मिनिमम बता रहे हैं कि एक बात बता रहे हैं, पहले पेपर चला गया, बिल्कुल पेपर चला गया, हर जगह पेपर चला गया है भैया, बताएं कि पान की दुकानों तक ले पेपर मिला है, पान वाले भी कमा लिए, बिल्कुल कमाए हैं 100 रुपए में, बिल्कुल कमाए हैं 100 रुपए में, पान वाले भी बेचे हैं 100 रुपए में, नहीं तो 500-500 में अगर बिक गया हमको मिलता तो हम खुद खरीद लेते, क्योंकि अगर नहीं मिला हमको मिला नहीं इसीलिए है क्योंकि मैं बेईमानी का साथ नहीं रहता हूँ, मैं इंसाफ से, मैं मेहनत से पढ़ाई किया हूँ, और जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने ऐसे सर पे हाथ रख के कहा था बेटा मेहनत से पढ़ना जा करके, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन माँ को मेरी ये नहीं पता था कि ना कि रुपए में क्वेश्चन और आंसर सब बिकता है, अगर ये पता होता मेरी माँ ने साफ कह दिया होता बेटा ये लो तसला और ये लो फरुहा उठा के मजदूरी करो जाके, क्यों मेहनत से पढ़ाया फिर हमको? क्योंकि मेरी माँ को पता है कि अभी इंसाफ है, लेकिन हर एक चीज़ अब मान के चलिए अगर कोई आतंकवादी अभी कोई जो है मैसेज से व्हाट्सएप पे कोई गलत चीज़ आतंकवाद फैला दे, उसका 2 मिनट में पता चल जाता है कि किस साइबर से किस आईडी से कहां से पता चला, लेकिन ये चीज़ जहां से लीक हुई है वो चीज़ जानना ही नहीं चाह रहे, भर्ती बोर्ड जो है वो सवाल ही देखना नहीं चाह रहा कि कहां से लीक हुआ, वरना अगर आतंकवादी अभी मेरे फ़ोन से अगर मैं कुछ गलत कर दूं अभी पता लगा देगा कि किस आईडी से हुआ, कहां मैं बैठा हूं, कहां से नहीं लगा हुआ, तो वो चीज़ नहीं पता लगा सकते क्या? वो सब कुछ पता लगा लेकिन वो जानना नहीं चाह रहा, क्योंकि सवाल उसी पर उठेगा भर्ती बोर्ड पर कि ये सब जो है उसी के नाक कटेगी जा करके, लेकिन हम लोग इतनी मेहनत लगता कि भर्ती बोर्ड को भी पता है कि कहां से पेपर लीक हुआ लेकिन जाना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, इसीलिए हम लोग जो है हम लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं 3-3 साल से, 23 दिसंबर से इतनी मेहनत से पढ़ाई किया हूँ, पता नहीं चल रहा है कि कब खाना कब सोना ये सब भूल गया हूँ, मेहनत से पेपर देने जाकर में तो हम लोगों का ये सब मतलब क्या करें हम लोग जाकर, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। अगर ये पढ़ाई की थी उम्मीदें थी कांस्टेबल बन जाएंगे और अब जो उम्मीद हो बिना उम्मीद का पढ़ाई करता कौन है, उम्मीद है इसीलिए तो इंसान पढ़ने आए, इसीलिए मैं यहाँ जंग अभी क्या सोच रहे हैं अभी क्या सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं कि भैया ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, वरना अगर एग्जाम नहीं कैंसिल हो तो भैया ये कम से कम ये जो बेरोजगारी का धब्बा है इतनी मेहनत से करने के बाद में कहीं ना कहीं ये सुसाइड होगा, मेरा होगा कहीं ना कहीं देख लेना, भाई सुसाइड मत करना ये होगा, क्योंकि ये जो ताने हैं ना समाज के, मेहनत से पढ़ने वालों को ताने इतने मिलते हैं कोई मीडिया नहीं दिखाता है, मैं जानता हूँ कितनी मेहनत से पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद में अगर यहाँ मेरा नहीं होता है तो समाज मुझे नहीं जीने देगा, बेरोजगार कहेगा जा करके, मैं क्या करूंगा? दूसरे की हमने मेहनत की, गलती दूसरे की है, जो लोग पैसे जब क्वेश्चन पेपर खरीद रहे हैं पूरे पूरे आंसर की खरीद रहे हैं उनका सब पेपर हो रहा है, हम लोग मेहनत से पढ़ के हमारे लोगों के नहीं हो रहा, इसको पेपर कैंसिल कराया जाए यही एक चारा है, वरना कई लोग ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो देखना अगले दिन ये सारे लोग देखना बहुत से लोगों का सुसाइड होगा, ये गरीब बच्चा जो मेहनत से पढ़ता है ना उसको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि इतनी मेहनत से पढ़ने के बावजूद जो है उसको नौकरी नहीं मिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार का ही तो कांस्टेबल बनता है, कोई IAS PCS अधिकारी का लड़का नहीं मेहनत करता है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने दूर से सीतापुर से चल के आया हूँ मैं 100 किलोमीटर, सही बात है मध्यम परिवार का लड़का, मैं क्या करूँ? आप ये बताइए कि हम खड़े हैं, उम्मीद कोई जग नहीं रही है, ना ही कोई प्रशासन वाले आ रहे हैं सबूत दिखाइए, कोई इधर से आ रहा सबूत दिखाइए, हम लोग फोटो कॉपी देते हैं परेशान, इनको दे उनको दे, अरे बेन भर्ती बोर्ड आए यहाँ पे हमसे मांगे, एक मेन आदमी हमारे पास आए उसको हम दे दें और वो भैया हाँ नहीं का जवाब दे, पेपर लीक के सबूत है सबके पास है, यहाँ पे जितना परसेंट आदमी खड़ा है सबके फोन में है, सबके हार्ड कॉपी अगर मांगेंगे तो दे कैन प्रोवाइड यू, लेकिन मेन चीज ये रहता है कि ना वो किसको किसको बांटे, एक को बांटे दूसरा आ रहा है उसको बांटे, वो मतलब भीख दे रहे हैं भैया लो तुम भी
ले लो, कब तक दें? फिलहाल एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। अगर ये सरकार सच्ची है तो एग्जाम कराएगी, अगर इसमें जो है कोई कमी है, अगर ये छुपाना चाह रही है तो एग्जाम नहीं कराएगी और ऐसे ही सबका पास करा देगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ भैया। अगर मेहनत की है हमने तो एग्जाम होना चाहिए, अगर मेहनत, अगर सरकार सच्ची है तो एग्जाम एग्जाम कराएगी, ये मेहनत भैया हमारी एग्जाम होना चाहिए। तो भाई साहब कह रहे बहुत मेहनत की, परेशान है सर, एक परेशान तो आप भी हो। टेलीग्राम में एक बार कोड भी आया है जिसमें पैसे ट्रांसफर करने थे, मैं भी शायद उसका नाम था अविनाश सागर करके, अगर उसका नाम तक बारकोड पैसे ट्रांसफर करो पेपर आ जाएगा, ट्रांसफर करें पेपर आ जाएगा उधर से, मैं नहीं, आप बारकोड आया इसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं आपको, आप अगर इसमें पैसा जो ट्रांसफर पहले करेगा उसको पहले मतलब पेपर मिलेगा, मिल जाएगा। तो अगर सर उसका नाम बार कोड भी आ रहा है तो उसको सरकार को जांच करनी चाहिए। पुलिस विभाग इतनी व्यवस्थाएं है, इतनी आईटी सेल इतना मजबूत है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था, अब अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अब उनको पकड़ो, जाँच हो जानी चाहिए थी भाई साहब, क्या लगता? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग देखिए दो दिन क्या मतलब 18 को हमारा पेपर खत्म हुआ, 18 से 23 तारीख होगी लगातार हम लोग 5 दिन से ऑनलाइन ट्विटर पे कुल ट्रेंड हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भर्ती बोर्ड कह रहा है कि ये सब झूठी बातें हैं, भर्ती बोर्ड तो लगातार कह रहा है कि हमारे पास कोई सबूत अभी नहीं है, अफवाहें सब चल रही है, हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं जिसको देखते हुए हम निरस्त पेपर करें। अब ये है कि अब क्या कहें कि अब हम लोग जैसे एग्जाम, लेकिन आप लोग लगता है कि पेपर लीक हुआ है? लगता है सर, इसमें लगने हुआ है सर, लगने वाली क्या बात है, भाई साहब बता रहे कि बार कोड भेजो उधर से पेपर आ रहा है। यस यस यस, हालत ये है कि आपसे 150 रुपए 100 रुपए में आपको पेपर मिल जा रहा है, हम लोग 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या मतलब तैयारी का, हमको भी पता होता हम भी बाद में आके 100 रुपए दे के पेपर लेके पेपर दे देते, क्या मतलब थी? करने का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, ठीक हो रहा, मेहनत कर रहे पर फालतू में जा रहे, लोगों का ट्विटर पे ट्वीट डिलीट किया जा रहा है, वो अभी डिलीट क्यों किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है, इसका मतलब अभी चाहते हैं भाई साहब की पेपर दोबारा हो। जी सर बिल्कुल, चारों शिफ्ट का पेपर दोबारा हो, री एग्जाम होना चाहिए। जी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि योगी जी की सरकार है यहाँ तो बढ़िया सब व्यवस्था हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी की सरकार अच्छी है ये नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ शिक्षक मामले में वो जीरो हैं। आप देख लीजिए अभी आरओ का पेपर लीक हुआ, उस पर उनकी क्या गतिविधि रही आप देखें, तो कह रहे हैं वो भी पेपर लीक नहीं, वही चीज कह रहे हैं ना, सीटेट का पेपर लीक हुआ, उनके बाद जब वो बच्चे जब कम थे वो आवाज उठाए तो आंसर की निकाल दिए, अब यहाँ पे 50 लाख बच्चे हैं, आप कितना आवाज दबाएंगे, हम लोग गरीब घर से आने वाले बच्चे हैं, बताइए अब क्या हम लोग क्या करें, अगर ये कह रहे हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ, 140 क्वेश्चन करने वाले सिलेक्शन ले लेंगे, हम लोग 120 प्लस किए हैं, 3-3 साल मेहनत की, अब क्या कहाँ जाएं हम लोग, मेहनत से पढ़ाई किया उसके लिए दिक्कत है भाई साहब, मेहनत करने वाले को कोई मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, जो 140 क्या कह रहे हो, मेरिट दिखाना भी आगे जाकेगा, ये नहीं आप यहाँ से ले जाए फिर सरकार कहे कि डिलीट कर दीजिए, आप तो डिलीट कर देंगे, क्योंकि दिखाएंगे भाई, आपकी बात है आपको बिल्कुल दिखाएंगे हम, ऐसा थोड़ी है कि दिखाएंगे नहीं, इसलिए तो यहाँ है कि आपकी बात सुना दिखाया जाए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सब लोग बता रहे कि पेपर लीक हुआ है, पुख्ता सबूत है, लेकिन लेकिन जो भर्ती बोर्ड को नहीं दिख रहा है, सारे सबको दिख रहा है बस, और सबको दिख रहा है, प्रसाद जी आकर बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, उनको भी नहीं दिख रहा है, प्रसाद जी को भी नहीं दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, लेकिन दिखेगा कब, जब लोकसभा का चुनाव होगा तब उनको दिखेगा कि आखिर में युवा क्या है, यहाँ पे युवा परेशान है, वहाँ पे किसान परेशान है, कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं और किसानों का देश है, किसका देश है ये, सरकार के पास तो पैसा परेशान है, सरकार में युवा परेशान है, देख लीजिए यहाँ भीड़, यहाँ युवा परेशान है, वहाँ पे किसान परेशान है, सरकार के पास पैसा आखिर ना 2000 यहाँ पे लोग विधायक लोग मंत्री लोग क्यों नहीं सुना जाता ये बात को, हम बता दें क्यों नहीं सुना जाता है, यहाँ पे जो भी मंत्री हैं जो भी विधायक हैं वो सीट बेचे हैं, बात कि अगर सरकार के पास बजट नहीं है, अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो वो हम लोगों से फिर से आवेदन करवा लें, जैसे 400-400 रुपए दे के हम लोगों ने आवेदन किया 50 लाख के अभ्यर्थियों ने, हम फिर से 400-400 रुपए दे के आवेदन करेंगे, हम लोगों का फिर से री एग्जाम करवाएं, बस यही 400 रुपए फिर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन री एग्जाम करवा दें, अगर राजस्व लगता है, अगर लगता है कि सरकार को लगता है कि राजस्व की कमी हो रही, दिक्कत हो रही, पैसे कमी हो रही है, तो दोबारा आप लोग 400-400 रुपए का फॉर्म भर देंगे, बिल्कुल, लेकिन री एग्जाम ही मांगे, एग्जाम हो और उसके बाद में निष्पक्ष तरीके से क्या कहते हैं एग्जाम हुई है, नहीं कि हम 400 फिर दे रहे हैं, फिर पेपर वायरल करा दे रहे हैं, क्या फायदा होगा, और पेपर अगर इसके पुख्ता सबूत है, अगर मिलता है कि जांच होनी चाहिए जिनके ऊपर जो लोग हैं इसमें शामिल, आपको क्या लगता है कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, जो लोग शामिल हैं बाबा जी बुलडोजर चलवा रहे हैं उनकी अच्छी सरकार है, जो लोग शामिल हैं उनको 5 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना लगाए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलवाएं तब विद्यार्थियों को मालूम होगा, मतलब विद्यार्थियों को ये विश्वास होगा कि हाँ बाबा की सरकार अच्छी है कि नहीं है, भाई साहब कह रहे हैं कि इधर युवा परेशान है, वहाँ दिल्ली में किसान परेशान, उसमें सरकार में ही हो रहा है, कहने वाली क्या बात है सर, यहाँ किसान के बेटे हैं, यहाँ तो किसान के बेटे हैं, यहाँ किसान ने, मैं तो किसान अभी खेतों से आ रहा हूँ, मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और MP डिग्री कॉलेज में पीछे मेरा खेत भी वहाँ है,
प्रशासन इस तरीके से बात कर रहे थे, जब मैं सुबह शिफ्ट का पेपर मैं देने गया था वो 8:16 पे पेपर आ गया था, वो कह रहे थे कि टेलीग्राम में वो एडिट कर दिया गया, क्या व्हाट्सएप में किसी का औकात है एडिट कर दे? ये हाल है। और एक बात और भी बताएं, जिस तरीके से कीले गड़वा रहे हो दिल्ली में, ऐसे ही कीले गड़वाएं, वो दर्द क्या जाने जिसके कोई परिवार ना हो, ठीक है? अगर इस्तीफा दे दीजिए, आपको चलाने की बस की नहीं, अपने वहाँ मठ में डंडा बजाइए, घंटा बजाइए जाकर के, सब ये बेकार है। चला नहीं पा रहे सरकार, क्या योगी जी? अरे चला पा रहे, 12 परीक्षाएं लीक हुई भाई साहब, 12 परीक्षाएं लीक हुई, आरओ जिस उसने कहा कि 9:16 पे पेपर लीक हो गया, और फिर उसके बाद उसी के ऊपर FIR कर दी गई, ये कौन सा संविधान में लिखा है? आप औकात भूल रहे हैं ये लोग अपनी, ये तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में किसानों के लिए कीले गाड़ रहे हैं, उनके लिए बुलडोजर उनके लिए मंगवा रखे हैं, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे जा रहे हैं, क्या तरीका है? और बुलेट से भी फायर किया गया, मानेंगे नहीं ये, लेकिन मानोगे बेटा एक दिन जरूर, पास हाथ पलटता है, बस इतना पलटता है बिल्कुल। किसानों ने युवाओं ने मान लिया तो फिर पास पलट भी सकते हैं, लेकिन एक दिन ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन किसान का बेटा एक दिन राज करेगा दिल्ली पे, तब भाई साहब आपको कोई नहीं, बीजेपी पूरी जेल में होगी, जिस प्रकार ईडी का प्रयोग कर रहे हैं किसानों के ऊपर, और जो इसके ऊपर आवाज खिलाता है उसके ईडी आप घर के भेज देते हैं, हमारे घर ईडी भेजिए, मैं पुख्ता सबूत दूंगा मैं कितना कमाया हूँ, कितना मैं टैक्स भरता हूँ। आप GST लगा दिया शिक्षा पे, क्या किया है आप? दिल्ली की सरकार उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी नहीं आप होगी।